सो हेलो फ्रेंड, कैसे होप करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं आगे फिर एक न्यू वीडियो लेके। और पता है आज स्पेशल जगह पे आई हूँ और मैं आ चुकी हूँ तुलसी मानस मंदिर के पास। और इसका लोकेशन मैं बता देना चाहती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि बनारस में तुलसी मानस मंदिर दुर्गा कुंड लंका व्यच्चू के पास ही पड़ेगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आने के लिए यहाँ पर बनारस कैंट से आपको 20 रुपये लगेंगे और या 25 रुपये आप यहाँ पर आ सकते हैं। एंड रिजर्व करके आना चाहते हैं तो आपको 50 एंड 100 रुपये के अंदर में आप आ सकते हैं यहाँ पर। तो मैं आपको चलती हूँ तुलसी मानस मंदिर के अंदर, आपको सारी चीज़ें एक्सप्लोर कराने वाली हूँ। और ये काफ़ी धार्मिक स्थल, बहुत ऐतिहासिक चीज़ है और आपको इसके अंदर की कुछ हिस्ट्री भी बताने वाली हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पे देखिए जो तुलसीदास की मूर्ति लगी हुई है ना, तो आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो भी सारी चीज़ें आपको देखने की मिलेंगी ना, तो इलेक्ट्रॉनिक की तरीके से पता नहीं ऐसा क्या सेट किया गया है कि आपको ऐसा लगेगा ना कि वो भव्य जो भी दिख रहा है वो आप ऑटोमेटिक एकदम सामने से देख रहे हो। और देखेंगे ना यहाँ पे तुलसीदास जी जो उनके मतलब बुक है उसको मतलब हैंड में इतना एक अच्छे तरीके से बनाया गया है कि वैसे लगता है कि बुक के पन्ने को वो पलट रहे हैं। और देखिए लगता है ना कि वो रामचरित मानस को पढ़ रहे हैं। और ये मतलब इनका एक इतिहास बता देना चाहती हूँ कि तुलसी मानस मंदिर मतलब एक तुलसी मानस मंदिर जो पवित्र शहर वाराणसी में सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। और इस मंदिर का हिंदू धर्म में बहुत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। और भी बता देना चाहती हूँ कि प्राचीन हिंदू महाकाव्य रामचरित मानस मूल रूप से 16वीं शताब्दी लगभग 1532 में 1532 से 1623 में हिंदू कवि संत सुधारक और दार्शनिक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा मतलब इस स्थान पर लिखा गया था। तो एक तरीके से एक ऐतिहासिक चीज़ें। और ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये ग्राउंड फ्लोर का है। और ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे मतलब राम परिवार, रामचरित मानस और आपको यहाँ पे बाल गोपाल जी, राधा कृष्ण जी के भी आपको इसके ऊपर लेके चलूँगी। तो सारी चीज़ें भव्य दिखाने वाली हूँ और सब एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मतलब एक इस तरीके से बनाया गया है कि आपको लगेगा ना कि वो सारी चीज़ों को आप एकदम नेचुरल देख रहे हो। ऐसा नहीं लगेगा कि आप वहाँ पे मूर्ति देख रहे हो, ऐसा लगेगा कि सारी चीज़ें जो भी मतलब रामचरितमानस की जो भी लीला है, जो भी सारी चीज़ें बाल कृष्ण जी की जो भी लीला है, तो सब वहाँ पे एकदम प्रदर्शन ऐसे होंगे जैसे लगेगा कि सामने सारी चीज़ें हो रही हैं। तो एक तरीके से बहुत अच्छी चीज़ें। और ये संगमरमर से बनाया गया। बनारस में भी बता देना चाहती हूँ कि दो ही टेम्पल ऐसा है संगमरमर से बना हुआ है। एक तो आपका विश्वनाथ टेम्पल बीएचयू कैंपस के अंदर और यहाँ पे एक दूसरा तुलसी मानस मंदिर आप देख सकते हो। और मतलब एक तरीके से इतना प्यारा एक ये डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पे आप जब भी आओ तो एक बार इसका दर्शन ज़रूर करो। और मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ये निर्माता इसके जो हैं हावड़ा पश्चिम बंगाल भारत के सुरेखा परिवार मतलब इसका वो कहते 1964 में इसको बनवाया गया था। और ये 85 मीटर 279 फीट जो है इसकी ऊँचाई है। तो एक तरीके से बहुत ऐतिहासिक, बहुत मतलब पुरानी मंदिर है। और आप जब भी बनारस आओ तो एक बार यहाँ पे ज़रूर अपने आप को विजिट करो, क्योंकि आप यहाँ पे आएँ और इस चीज़ को न दे राम परिवार को न देखें, बालकृष्ण परिवार को न देखें, तो आपने कुछ नहीं देखा। तो मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ और यहाँ पे मतलब सेकंड फ्लोर पे, ये सेकंड फ्लोर का है और वो सॉरी फर्स्ट फ्लोर का है और मैं वो ग्राउंड फ्लोर का मैं दिखाई थी क्योंकि सारी चीज़ें ग्राउंड फ्लोर का थी। और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे मंदिर लगे हुए हैं, क्योंकि मैं बोल रही थी ना ग्राउंड फ्लोर पे सारी चीज़ें तो आपको यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे देखने को मिलेंगी। जब आप फर्स्ट जब भी आओ तो बहुत लोग नीचे से चले जाते हैं लेकिन ऊपर तक नहीं आते। बट मैं ये बता देना चाहती हूँ कि सारी देखने वाली चीज़ें जो आप दर्शन करना चाहोगे तो आप सेकेंड फ्लोर पर आओ। और आप देखिए यहाँ पर 10 रुपीज़ की टिकट है पर पर्सन। तो हम लोग दो लोग थे तो दो लोग टिकट मैंने कटवाई। और यहाँ पर टिकट कटवाने के बाद से आपको 10 रुपये का वन टिकट मिलेगा। और यहाँ टिकट लेने के बाद से मैं पूछ रही थी भैया कितने का टिकट है, तो उन्होंने बताया सर कि 20 पर पर्सन 10 रुपये। एंड यहाँ पे टिकट जमा हो जाता है एंड इसके अंदर आप जाके सारे भव्य नज़ारे ले सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे मतलब किस तरीके से एक तरीके से ये राम जन्म है, गौरी पूजन है। और यहाँ पे मतलब जो गौरी पूजन हुआ था, तो आप जो लोग मतलब रामायण पढ़े हुए हैं उनको पता होगा। देखिए शिव विवाह, फिर यहाँ पे बाल लीला, मैं बोल रही थी ना कि यहाँ पे सारे एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चीज़ें लगी हुई थी कि मतलब उस चीज़ उस मंजर को इतना रोटेट करते हुए हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि उस भव्य को उस
फील करते महसूस कर सकते हैं। आप देखेंगे ना सारी चीज़ें रोटेट हो रही थी। देखिए केवट के भाग्य को भवन, ये सारी जो भी सारी चीज़ें हैं एक तरीके से ऐसा दृश्य है, ऐसा बनाया गया है कि आप जब भी यहाँ पे आओगे ना तो एक तो आपका मन नहीं होगा जाने का। और देखिए ये सीता स्वयंवर, कहना मैं बस ये चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो भी हुई थी ना यहाँ पर, देखिए जटायु मोक्ष हुआ था, तो आप जो लोग रामायण पढ़े हुए हैं, जो बाल कृष्णा देखे हुए हैं, जो सारी चीज़ें, उनको ये सारी चीज़ें देख के कि मतलब जटायु मोक्ष कब हुआ था, किस तरीके से हुआ था, क्यों हुआ था, जो मतलब इसकी इतिहास पढ़े होंगे, जो इनके कहते हैं कि गीता पढ़े होंगे, रामायण पढ़े होंगे, तो उनको सारी चीज़ें पता होंगी कि जटायु मोक्ष क्यों हुआ था, बाल कृष्ण क्या हुआ था और किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें की गई थी। तो वो सारी चीज़ें देख के आप जान सकते हैं। आपको पता है ना कि निद्रा मग्न वो कुंभकर्ण, जो कुंभकर्ण कहते हैं ना कि रावण पाँच भाई थे एंड दो उनकी बहन थी, तो एक तो तीन के तो मैं नाम जानती हूँ कि विभीषण एंड क्या बोलते हैं रावण, और इसके बाद से ये क्या बोलते हैं कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण और ये तीन भाई जो विभीषण से जो राम जी को बताए थे कि रावण का जो भी प्राण है उसके नाभि में है, तो उन्होंने बताया था। तो इस तरीके से आप जो भी इतिहास पढ़े होंगे, सॉरी जो भी महाभारत रामायण जो लोग पढ़े होंगे, तो उनको सारी चीज़ें पता होगा। तो एक तरीके से ना उस दृश्य को यहाँ पर दर्शाया गया था कि आप जब भी आओ ना तो उस सारी चीज़ें उस दृश्य को देख के आपको ये महसूस हो सके कि हाँ क्या क्या किया गया। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कृष्णा जी राधा जी हैं, और यहाँ पर कृष्णा जी को राधा जी माला लेके खड़ी हुई है पहनाने की कोशिश करें। और यहाँ पे देखिए राधा जी और यहाँ पे बाल कृष्णा जी, यहाँ पे लोग दोनों लोग झूला झूल रहे थे और उनके सखियाँ थी एंड यहाँ पे उनके मतलब कहते हैं उनके द्वार पे लोग जो देखने वाले लोग थे और सारी चीज़ें मतलब इस चीज़ को दर्शाया गया था। एंड जब यहाँ पे सारी चीज़ें रोटेट हो रही थी ना, तो इस तरीके से लग रहा था ना कि सामने सारी चीज़ें हो रही है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दही मंथन, यहाँ पे कैसे कृष्ण जी किस तरीके से अपनी मैया को परेशान करते थे, किस तरीके से मतलब दही के लिए वो बहुत, आपको पता ही है कि माखन के बहुत आशिक थे, बहुत एक तरीके से कहा जाए कि माखन उनको बहुत पसंद था और उनके लिए बहुत प्रिय था। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए कि मतवारी मीरा, मतलब आपको पता है ना कि कृष्णा जी की एक और दीवानी थी और वो दीवानी मीरा थी, तो दो ही दीवानी ज़्यादा माने जाते, उनकी गोपियाँ चाहने वाली तो बहुत थी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शिव जी थे और शिव जी भी यहाँ पर कुछ कह रहे थे, तो एक तरीके से ना मतलब उनके जुबान, उनके हैंड, उनके सो भी सारी चीज़ें इन लोग के रोटेट कर रहे थे। तो एक तरीके से लग रहा था कि मतलब उस भव्य को देखने में, इस चीज़ को महसूस करने में अच्छा लग रहा था। और उमा महेश्वर शैमवाद, मतलब इसका मतलब जो लोग जानते होंगे कि ये क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, तो उनको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। और ये सारी चीज़ें दिखाने के बाद फिर मैं कह किया, मैं फिर एक बार आप लोग को कह रहे ना कि यहाँ पर दिखा देती हूँ कि यहाँ पर देखिए हनुमान जी का था और यहाँ पे जो भी उनकी मतलब दासियाँ लोग थी और यहाँ पे लोग बहुत सारे लोग थे, यहाँ पे हनुमान जी थे एंड बहुत सारे देवी देवता लोग यहाँ पे थे, तो मैं उनको दिखाने की कोशिश की, हनुमान जी को दिखाने की कोशिश की। और भाई कह रहे कि जहाँ राम जी हो, जहाँ पे पिता हो, वहाँ पे बच्चे ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है, तो बाल हनुमान तो वहाँ रहेंगे ही रहेंगे। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ पे देवी देवता गढ़ लोग थे यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ मतलब इस मंच को कुछ दर्शाया गया था, जो लोग पढ़े होंगे वो लोग जानते होंगे। और यहाँ पे देखिए दही मंथन का मैं फिर लेके आ गई, दही मंथन का दिखाने के लिए अच्छे, और जहाँ पे बाल कृष्णा हो और वहाँ दही मंथन का काम ना, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि इनका बहुत फेवरेट चीज़ है भाई माखन, और हम आप सभी जानते हैं। और यहाँ पे मतलब एक तरीके से इतना प्यारा बनाया गया था, इतनी अच्छे तरीके से बनाया गया था। तो आप बनारस जब भी आओ तो तुलसी मानस मंदिर में ज़रूर अपने आप को विजिट करो। और यहाँ पे देख रहे हैं ना राधा कृष्ण झूला झूल रहे हैं, उनकी उनके साथ कुछ गोपियाँ भी हैं, और यहाँ पे मतलब एक एक तरीके से यहाँ पे भव्य आपको नज़ारे मिलेंगे। तो तुलसी मानस मंदिर आओ तो आप अपने आप को ज़रूर यहाँ पे आए, क्योंकि एक बहुत धार्मिक चीज़ है, बहुत कहते हैं ना कि पुरानिक पौराणिक मंदिर है जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे आइए और मान ली आपको 10 रुपये टिकट। और यहाँ पे एक चीज़ और अच्छी चीज़ है कि आप मोबाइल से सारी चीज़ें ले सकते हैं। पहले अलाउ था या नहीं था मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं पहले आई थी तो मोबाइल वगैरह से उतना फ़ोटो वगैरह हो जाता था तो इतना अलाउ था। एंड नेक्स्ट जो है कि मुझे नहीं पता था कि अब मोबाइल वगैरह सारी यूज हो रही, तो देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश की। और मैं यहाँ पर आई थी दर्शन करने के लिए, तो स्पेशली मैं सोची कि आप
लोग को भी दिखा देती हूँ, तो आप लोग इस मतलब इस भव्य मंदिर को ज़रूर आप लोग एक बार दर्शन करें और यहाँ पर ज़रूर आएँ, क्योंकि ऐसा नज़ारा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। और भाई यहाँ पर काफ़ी शांति होती है, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जो बैठ के पढ़ते भी हैं, क्योंकि शांति होने की वजह से यहाँ पर सोर्स गुल नहीं होता है। और यहाँ पर देखिए सीता की अग्नि परीक्षा, आप लोग को पता ही होगा जो रामायण पढ़े होंगे देखे होंगे कि सीता मैंने अग्नि परीक्षा क्यों दी थी, और जानते होंगे तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। और यहाँ से मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें देखने के बाद यहाँ पे देखिए ये चीज़ जरूर मैं दिखाना चाह रही हूँ कि यहाँ पे विष्णु भगवान जी थे, और यहाँ पे नीचे जो थी नीचे की बात मैं बताने वाली हूँ, यहाँ पे देखिए दुर्गा जी थी और यहाँ पे गणेश भगवान थे और यहाँ पे सारे जो भी देवी देवता थे यहाँ पे सारे लोगों को लगा हुआ था। और मैं कुंभकर्ण को इसलिए मैं जूम करके दिखाना चाहती हूँ कि देखिए कुंभकर्ण मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें से बनाया गया था कि कुंभकर्ण देखिए सो रहा था ना, तो उसके पेट से ऐसे ऑक्सीजन ऊपर आ रहे थे, उसके पेट जो है ना मतलब फूल रहे थे, कहते ना ऑक्सीजन लेते जैसे सांस लेके सोते हैं अंदर बाहर करते, उस तरीके से उस भव्य मतलब वो मंजर था। और एक चीज़ और मैं आपको बहुत खास दिखाने वाली हूँ कि यहाँ पर देख सकते हैं ना कि यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर भगवान जी कहते ना कालिया नाग जो पानी में समंदर में गए थे और नाग पर सब लोग सोच रहे थे कि नाग है और उसके अंदर ये विष्णु मतलब यहाँ पे कहते हैं ना बांसुड़ी बजाते हुए निकले हुए थे। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ पे राधा कृष्ण गोपियों के साथ, कहते हैं ना कि ये तो बहुत मस्त थे गोपियों के साथ, क्योंकि उनका फेवरेट था घूमना और वो जब भी जाते थे तो अपने बांसुड़ी से मुँह लेते थे बुलाते थे। और एक चीज़ और मैं दिखाने चाहती हूँ, ये कृष्ण जन्म जो देखे देवकी और वासुदेव जो अंदर जेल में कारागार में कंस ने जब बंद कर रखा था तो वहाँ से उनका जन्म होता है, और वहाँ से कैसे वासुदेव जी ने लेके आए थे जब मतलब जब कृष्ण जी यहाँ पे जन्म लिए थे, क्योंकि जो कृष्ण लीला बाल लीला जो लोग देखे होंगे उनको पता होगा। और वहाँ से देखिए ये वासुदेव जी लेके उनको कैसे मतलब सर पे लेके आते हैं, और जब खूब पानी का बहाव होता है जब नदी में जाते हैं तो गंगा मैया मतलब खूब बहाव उनका पैर छूना चाहती हैं, एंड यहाँ पे जो बारिश की वजह से जो नाग होते हैं तो उनका एक तरीके से छाया की तरीके से उन पानी को ढक लेते हैं कि मतलब कहीं भगवान भीग न जाए। और यहाँ तक इस मंजर तक देखें सारी चीज़ें, तो ये मैं आपको जो भी छोटी छोटी चीज़ें थी आपको दिखाने की कोशिश की, तो आप लोग यहाँ पर आएँ एंड अपने आप को यहाँ पर एक बार भगवान का दर्शन ज़रूर करें। आप जब भी बनारस आएँ तो इस ऐतिहासिक मंदिर को ज़रूर देखें और ज़रूर यहाँ पे आएँ, क्योंकि आप देख सकते हैं। और ये देखिए फर्स्ट फ्लोर का है, काफ़ी ये फर्स्ट फ्लोर का बहुत प्यारा व्यू है, बहुत प्यारा संगमरमर से बना हुआ है। और यहाँ पे पूरी दीवार पे आप देखेंगे ना सारी रामचरितमानस बाल कथाएँ सब चीज़ लिखी हुई हैं, आप टाइम निकाल के आएँ तो ज़रूर एक बार इस चीज़ को पढ़ें। और हम फाइनली मंदिर से बाहर आ गए, क्योंकि हम लोग को मतलब सारी चीज़ें हो चुका है दिखा दिए, तो हम क्या अब चलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मैं कह रही थी ना कि मैं जब भी आती हूँ दर्शन वगैरह करने एंड कुछ भी करने तो मैं आपको छोटी छोटी वीडियो देती रहती हूँ। और ये एक बार फिर बता देना चाहती हूँ कि ये श्री तुलसी मानस मंदिर है और आप यहाँ पे एक बार ज़रूर है। और ये देखिए बाहर के सारे एरिए हैं, पार्क है, और यहाँ पर लोग आते हैं पढ़ते हैं बैठते हैं, शांति रहती है। और यहीं से हम लोग एग्जिट हो गए क्योंकि बस यहीं तक था, और यहाँ पर एक प्यारा सा फाउंटेन बना हुआ था जो अभी चालू नहीं था, तो जैसे ही चालू होता है तो बहुत प्यारा व्यू बहुत प्यारा मंजर होता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ढेर सारा प्यार दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और वीडियो को शेयर भी करो, क्योंकि शेयर की हर एक न्यू वीडियो आती रहे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, ढेर सारा प्यार देना और बाय बाय।